हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नए अपडेट के साथ। इस वीडियो में भारतीय टीम का पूरा रिव्यू करेंगे और साथ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या होने वाला है सब बताएंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, रोहित शर्मा की कैप्टनी में इस बार टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के लिए जी जान लगा देगी। भारत को 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में कैप्टन रोहित शर्मा किस प्लेइंग 11 को उतारते हैं। फ्रेंड्स, भारत में आज यानी 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 में भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को खेलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का ये मैच चेन्नई में चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कैप्टनी में इस बार टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के लिए जी जान लगा देगी। भारत को 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में कैप्टन रोहित शर्मा किस प्लेइंग 11 को उतारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के दौरान चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करेगी। चेन्नई की पिच बल्लेबाजी के लिए भी बहुत शानदार रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में शुभमन गिल और कैप्टन रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। टीम इंडिया के धाकर बल्लेबाज विराट कोहली नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बैटिंग के लिए उतरेंगे। ऐसे में श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उप कप्तान हार्दिक पांड्या को उतारेगी। नंबर 6 पर खतरनाक मैच फिनिशर सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। सूर्यकुमार यादव चंद गेंदों में मैच का रूप पलट देते हैं। नंबर 7 पर खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। रविंद्र जडेजा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूती देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के दौरान रविचंद्रन अश्विन को बतर स्पिनर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चुना जाना तय है। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उनके पास एक से बढ़कर एक स्पिन गेंदबाजी की वेरिएशन है। रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रविचंद्रन अश्विन जमकर कहर मचा सकते हैं। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का प्लेइंग 11 में चुना जाना लगभग तय है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11 आइए जानते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।